मैं हिंदुस्तान में बैठे हुए, दुनिया में बैठे हुए हर वो हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदुस्तानी को सिर झुका करके क्षमा चाहता हूं। इस पगड़ी पे दाग लगे, इसको नहीं हम मिटा पाएंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं, इसको हम नहीं मिटा पाएंगे। आपने जो किया है उसके लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप ऐसे मत रोइए, क्योंकि इन जो खालिस्तानी है, जो कांग्रेसी है, जो केजरीवाल जैसे लोग हैं, जो ये पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, उन लोगों को इसका जवाब जरूर मिलेगा। और जो ये सिखों को जो बदनाम करने की कोशिश की गई है, आपके जो ये आंसू है, उन सबको अब ये जवाब दिया जाएगा जिन्होंने आपके आंखों में आंसू, आज जब आपने इस देश के लिए इतना कुछ किया उसके बाद आपके आंखों में आज आंसू आ रहे हैं, वो भी इन खालिस्तानियों की वजह से, तो उनको जवाब जरूर मिलेगा। सर आप ऐसे रोइए मत। जवाब जवाब ये नहीं है जी सर, हमारी गुरु महाराज की ये मार्शल कॉम जी, जिनको दुनिया सिर झुकाती है जी सर। जब को भूकंप आता है, कुछ भी आता है, लंगर लगाए जाते हैं, इतनी सेवा होती है। कोरोना के ऊपर हमारे यहाँ एक शंटी जी हैं जी, उन्होंने बड़ी सेवा की। हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, उनको किसी को टाइम के ऊपर शमशान घाट पहुंचाया, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया, खुद परिवार को कोरोना हो गया, सिर पे पगड़ी थी। लोगों ने हमें इतना मान सम्मान दिया इस गुरु महाराज की पवित्र सिक्खी को, हमें नहीं दिया, हम तो कुछ नहीं, हम तो एक मिट्टी के आदमी हैं, हम तो जमीन पे रुले फैले आदमी, हम है कौन। हमारी ये पगड़ी को लोगों ने मान सम्मान दिया, दुनिया के अंदर मान सम्मान दिया। आज हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, ये चंद लोगों को तो तसल्ली हो जाएगी, ये जो जिन्होंने ये कर्म किया है इनकी तो खुशी हो जाएगी, ये तो कहेंगे हमने देखो लाल किला में खालिस्तान, यहाँ हमने अपना निशान साहब लहरा दिया। पर सवाल सबसे बड़ा है, जिनको इस मुल्क से प्यार है वो तो रोएगा, किसी भी कौम और किसी मजहब का है वो तो रोएगा। हमने तिरंगे झंडे के लिए, देश के लिए अपने शरीर पे बम खाए, हमें बम्बों गोलियों का कभी दर्द नहीं होता, सच्ची बताऊं कभी दर्द नहीं होता, शरीर के आधे हिस्से में लोहा है। इन बदमाशों ने हमारे पे 100-100 किलो RDX, 40-40 किलो RDX लेके बम चलाए, हमारे जवान, हमारे कई यार दोस्त शहीद हो गए, हमने कभी इन पे गिला नहीं किया। हम यही कहते रहे उनका अपना कर्म था देशद्रोहियों का हमें मारना, हमारा अपना कर्म था इस मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा करना, बहनों के सुहागों की रक्षा करना, बच्चों को यतीम होने से बचाना, हम अपने गुरु महाराज की मर्यादा पे चले। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतनी भी समझ नहीं आप क्या कर्म कर रहे हो भाई, हमारा इतिहास को भी नहीं आपने देखा। तो मुझे यह मलाल, यह गम मेरे मरते दम तक, मेरे मरने के बाद मेरी रूह को भी रहेगा, मेरी रूह तड़पेगी इस चीज़ को लेके, जिस तिरंगे झंडे के लिए तुमने बम खाए थे 82 के अंदर और उसके बाद 93 के अंदर, अब तू तिरंगे झंडे की रक्षा नहीं कर पाया, मेरे में मलाल रहेगा। तूने उस वक्त AK-47 सामने थी, रॉकेट लॉन्चर सामने थे, सामने गोलियां चलाते थे, सुबह बम चलाया, पर तुमने अपने तिरंगे झंडे की रक्षा की, तुमने अपने पैर कटवा लिए पर तुमने तिरंगे झंडे की, वंदे मातरम की रक्षा की, पर तुमने दिल्ली में होते हुए जिस तिरंगे झंडे से पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में शुरुआत हुई, पूरी दुनिया में 15 अगस्त 26 जनवरी का तिरंगा झंडा लहराया जाता है, जहां तिरंगे झंडे की नींव रखी गई, उसके बाद ही मैंने वहां पे बम खाए, तिरंगे झंडे लहराया, हम सब जगह, उस जड़ी नींव थी, जड़ थी, जिस जड़ ने हमें पूरे दुनिया के अंदर तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का दिया, वो तेरी आंखों के सामने उसका तेरी ही कौम के लोगों ने अपमान कर दिया। ये गम, ये दुख, ये मुझे सताता रहेगा। सर ऐसी कोई बात नहीं, आपकी कौम बहुत बहादुर है। मैं पंजाब से बाहर के सिख भाइयों को कहना चाहता हूँ, जो मैं अभी भी कमियां देखता हूँ, अभी भी वीडियो वायरल करते हैं, कई कहते हैं पंजाबी में फट्टे चखते, सरदार ने फट्टे चखते झंडा लहरा के, सरदार ने फट्टे चखते, ये पंजाब का नहीं बाहर का किसी सरदार की मैं सुना। हाँ हाँ। है ना, आंखों में मेरे आंसू आ जाते हैं, हम 84 के दंगे भूल गए, हम 84 के दंगों में पूरे हिंदुस्तान में सिख समाज को अपनी माँ बहन भाइयों के
उजड़ते हुए हमें आज तक वो जख्म अभी भी हमारे भरे नहीं हैं, अल्ले हैं जख्म हमें, हमारा दिमाग नहीं है, हमारी सोच नहीं है कि ये तो करते हैं पंजाब में गंदी पॉलिटिक्स, इन्होंने तो बनना लीडर, इन्होंने करनी धर्म की राजनीति। आप वो सच्चे सिख, अगर मेरे से अगर पूछो कि सच्चा सिख कहाँ मिलेगा, जहाँ तो मिलेगा विदेशों में, जहाँ सच्चा सिख मिलेगा पंजाब से बाहर चले जाओ, जब दिल्ली में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, अपने खून पसीने की कमाई से गुरुद्वारों को सजाया हुआ है। और ये लोग धर्म के नाम के ऊपर चंद लोग, ये खालिस्तान के नारे देने वाले, इनको सिर्फ बाहर से फंडिंग आती है, इनको कुछ नहीं पता कि खालिस्तान का मतलब क्या है। खालिस्तान का ये हमारे साथ इन्होंने किया, ये इतिहास जो इन्होंने बना दिया ये कभी भूलने वाला नहीं होगा। हमारा सिर झुका है और हमेशा इस चीज़ को झुका रहेगा। मैं सरदार हूँ, मैं सरदार हूँ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। जो मुझे नहीं जानता होगा, जो मुझे जानते हैं वो मुझे फख्र से कहता है ये एक भारतीय है, देशभक्त कहे ना कहे पर भारतीय है। पर अगर मुझे जो गाली देने वाला होगा, बुरा कहने वाला होगा, वो खालिस्तानी होगा, वो तिरंगे झंडे का अपमान करने वाला होगा, वो वंदे मातरम को गाली देने, बुरा गाली या बुरा कहने वाला होगा, जो शहीदों का अपमान, वही हमें बुरा कह सकता है। पर राष्ट्र भगत हमें कभी बुरा नहीं कहेगा, वो इतना जरूर कहेगा सिख तो है गुरु महाराज का, पर ये सच्चा भारतीय है, हमें उस चीज़ का फख्र है। और मुझे एक चीज़ बताइए, जो मुझे नहीं जानेगा, रास्ते में जाते हुए हर आदमी के अपने अपने विचार हैं, अगर इनके गंदे विचार हैं चंद लोगों के जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया, अगर किसी को नहीं पता करिए यार ये वही सरदार हैं, ये वही सरदार है जिन्होंने यार लाल किला में हिंदू मुस्लिम सिख आज़ादी का वो पहला झंडा लहराया गया, उनका अपमान किया था, क्या सिर से शर्म नहीं झुकेगा? जो मुझे नहीं पहचानता, जिसको समझ नहीं, जैसे इनको समझ नहीं उसको समझ नहीं, वो तो कहेगा सारे सिख कैसे, हमने बड़ी मुश्किल से दाग मिटाए, भगवान की कसम। ये हमें कौम का गदार कहते थे, जब दाग मिटाते थे ना, ये हमें कौम का गदार कहते थे। मैं कई बार इनको चैलेंज करता था, आओ मैं कहा बहस करो, कौम के गदार आप हो जो मैं हूँ, मैंने किसी को गोली नहीं मारी, मैंने किसी को जेल में नहीं कराया, मैंने किसी पे केस रजिस्टर नहीं कराया। हाँ, मेरे जो माँ बाप ने संस्कार दिए थे कि सिख कौम सजाई गई या मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई गई, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए सजाई गई। आपने जब पंजाब के अंदर बेगुनाहों का कत्लेआम करना शुरू किया, मैं अपने माता पिता को याद करके, मैं गुरु गोविंद सिंह जी को याद करके, उनके साहबजादों गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर को याद करके, मैं एक पापी गुनागार सिख ने, पापी गुनागार सिख ने मैंने मजलूमों की रक्षा की। मुझे पता था मेरे गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक के अंदर कश्मीरी पंडितों को बचाते बचाते अपने जीवन को मातृभूमि को दिया, मैं उसको लेके बचाया था। और ये हमें कहते थे कौम का गदार, कौम के गदार ये थे जिन्होंने गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट, गुरु तेग बहादुर जी महाराज हिंद की चादर, गुरु गोविंद सिंह जी उनके साहबजादों की मर्यादा के उल्ट, पंजाब में 19,000 हिंदू भाइयों का बसों से ट्रेनों से घरों से निकाल के गांव के गांव खाली करा के कत्लेआम कर दिया, ये मर्यादा के उल्ट। और मैं गुरु महाराज की मर्यादा पे चलते हुए पापी गुनागार सिख, मैं मजलूमों की रक्षा करता रहा, अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करता रहा, अपने बम गोलियां शरीर पे खाता रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे की रक्षा करता रहा। अब मेरे ऊपर 14 बार बम्बों से हमले हुए, मुझे अगर पत्रकार को सवाल पूछता है पहला बम कब चला, मेरा घर कहाँ था, अमृतसर, कहाँ, जलियांवाला बाग और हरमंदर साहब के पास अमृतसर में, बचपन से तिरंगा झंडा लहराता था, जलियांवाला बाग में 7 साल की उम्र में अपने ग्रैंडफादर के साथ शपथ ली थी, उस लाल खून की मिट्टी में, इतिहास उनसे पूछा, उन्होंने मुझे इतिहास बताया, किताबें पढ़ी, मैं कहा जब भी बड़ा हूँगा कभी मौका मिला इस आज़ादी के तिरंगे झंडे की आज़ादी की रक्षा करूँगा, लाल मिट्टी पर शपथ लेता हूँ। 12-13 साल का होता हूँ, 14-15 साल का तो स्कूल में होता था, अपने नौजवान बच्चों के साथ ही हम तिरंगा झंडा लहराया करते थे वहाँ, हरमंदर साहब, जलियांवाला बाग। आया एक वक्त 82 के अंदर वो जो शपथ ली थी, मैं तिरंगे झंडे की अहमियत बताना चाहता हूँ, वक्त आया जब आतंकवादियों ने हरमंदर साहब की पवित्रता को भंग करने की कोशिश की, जहाँ हमेशा दिन रात पाठ गुरु ग्रंथ साहब कीर्तन चलता था, हथियार गोली बारूद लेके चले के उसको किला बनाने की कोशिश की, जो गुरु महाराज की मर्यादा के खिलाफ था, वहां को अंदर जा नहीं सकता था, कोई हिंदू नहीं जा सकता था,
सिर्फ यही लोग रहते थे, अपमान करते थे गुरु महाराज का, चैलेंज आता अंदर से, एक पुलिस स्टेशन का SHO आता है, अभी तक नाम याद है उसका, नाम चमनलाल, कहता है इस बार यहाँ तिरंगा झंडा नहीं लहराएंगे, उनका चैलेंज आया, टेलीफोन पे धमकी आई, बम चलाएंगे, रास्ता बदल लीजिए। मैं कहा इनकी ऐसी की तैसी, ये तिरंगा झंडा है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून का तिरंगा झंडा है SHO साहब, ये खालिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा हूँ। कहना बम चलाएंगे, मैं कहा बम खाएंगे, मैंने जलियांवाला बाग में शपथ ली थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की लाल मिट्टी पे मेरे इम्तिहान का वक्त है, मैंने उनको ऊपर हिसाब देना है। लहराया 5 बजे बम फेंकते मेरे घर में, इसलिए कि आज़ादी का दिन ना मना सकें, ये लाल किला में लहराता हुआ तिरंगा झंडा ना लहरा सकें, लहराया जाएगा, बम भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे। और जब झंडा लहराने लगे, ऐसे ही लड़के आए जैसे झंडे का अपमान करने वाले, 5-6 के करीब, पहले पंफलेट फेंके, लिखा था खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद बोलने का, मुंह पकड़ के मार मार के पकड़ लिया, भगा नीचे हैं। उसके बाद 12 बजे झंडा लहराया, फिर अंदर से चैलेंज आया, अंदर से जत्थे जाते थे जिसमें नारे लगते थे खालिस्तान जिंदाबाद, हमें खालिस्तान चाहिए। ये मैं वो कहानी सुना रहा हूँ 82, 83, 84 के पहले की, वो बात सुना रहा हूँ। और वो हम तो कुछ भी नहीं थे, वो तो हजारों की भीड़ जाती थी, गिरफ्तारियां देते थे। अंदर से फिर मैसेज आया, तिरंगे झंडे को उतार के आग लगाएंगे तुम्हारी, मैं कह ऐसी की तैसी। 5 बजे तक नौजवान दोस्त मेरे, हिंदू भी सिख भी, सारे मिल करके पहरा देते रहे, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते रहे, बोले सोने आल सत श्री अकाल बोलते रहे, तिरंगे झंडा 5 बजे सूर्य डूबने लगा, उतारते गए वंदे मातरम बोलते गए, सीने पे लगाया। उन बम्बों गोलियां का मुकाबला भारत माता की जय वंदे मातरम जय हिंद बोले सोने आल सत श्री अकाल कह के तिरंगे झंडे की हमने रक्षा की। दूसरी बार तिरंगे झंडे की अहमियत बताता हूँ, दूसरी बार जब हम मिनिस्टर बने, हम जा रहे थे कहीं अमृतसर के अंदर, हमें पता था कि हमारे ऊपर बम चल सकता है, आतंकवाद जोरों पे था, हम गाड़ी में बैठने लगे बुलेट प्रूफ में, हमारा ड्राइवर वो तिरंगे झंडे को खोल देता है, वो राष्ट्रभक्त था बड़ा ड्राइवर, कहता साहब इसमें बैठ जाइए, मुझे पता था कि बम कहीं ना कहीं चलेगा, क्योंकि अखबारों में इश्तिहार निकल चुके थे आज मंत्री जी यहाँ पे उद्घाटन करेंगे, तो मेरे दिमाग सुरक्षा के ऊपर बहुत चलता है कि यहाँ होगा, जैसे मैंने कह दिया यहाँ लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान होगा, आप सारी वीडियो GTV और सब निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा, वो हुआ, मेरा अनुभव था। पर उस तिरंगे झंडे के प्यार ने मैंने मौत को भी गले लगा लिया, चल कोई बात नहीं, ये तिरंगा झंडा है, बैठ गया बुलेट प्रूफ छोड़ करके, थोड़ा आगे जाता हूँ ब्लास्ट होता है, मेरा पैर ब्लास्ट से उतर जाता है, 38 बेगुनाह लोग शहीद हो जाते हैं, 90 के करीब जख्मी हो जाते हैं, जलियांवाला बाग की तरह खून बह जाता है, स्कूल में जाते हुए बच्चे तारों पे लटकते हुए देखता हूँ, घोड़े टांगे जाने वाले घोड़े को तारों पे देखता हूँ, अपने जवान LMG चलाने वालों के आधे सिर कटते हुए देखता हूँ, उल्की LMG हद निकलते हुए दूसरे पे जलते हुए देखता हूँ, मैंने देखा, फिर गोली चलाई जाती है उसके ऊपर, तिरंगे झंडे ने बचाया, तिरंगे झंडे को देखा, और फिर तिरंगे झंडे और देश का प्यार मैं बताना चाहता हूँ, आज कभी बताया नहीं जी सर। उसके बाद खून बहता है, पैर इतना सा रहता लटकता हुआ, उतरता हूँ, दर्द नहीं होती, वंदे मातरम बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ आतंकवादियों, और वो ड्राइवर भी चैलेंज करता है, अभी भी ड्राइवर किसी गाड़ी में लगा मिनिस्ट्री की, वो ड्राइवर भी चैलेंज करता है, भंगारता है। उतनी देर में मेरे 2-3 गनमैन आते हैं, मुझे उठाते हैं, फिर आतंकवादी फायरिंग करते हैं, उसमें मेरे गनमैन जख्मी हो जाते हैं, एक शहीद हो जाता है, फिर गाड़ी में लेके जाते हैं, गाड़ी मेरी बुलेट प्रूफ रुक जाती है, फिर उतारा जाता है, खून बह रहा है, फिर एक स्वराज मादा रुकी जाती नीले रंग की, कैसे पैर को जोड़ करके, मेरे अंकल साथ होते जोड़ करके मुझे स्वराज मादा में बिठा देते हैं, आंखों में आंसू नहीं होता, वंदे मातरम भारत माता की जय। जितनी देर तक डॉक्टर मेरे पे इंजेक्शन बेहोशी का नहीं ठोकता, उतनी देर तक वंदे मातरम भारत माता की जय लगती है। मैं सवाल पूछता हूँ कई बार इस मातृभूमि से, अपने भगवान से, गुरु महाराज से, हे भगवान
हे गुरु महाराज, हे मारी मेरी मातृभूमि, वंदे मातरम, वो तुम्हारी क्या ऐसी शक्ति दी मुझे उस दिन, मेरे पैर से खून के खून बाल्टी बह रही है और मैं होश में हूँ, मेरी आंखों में आंसू नहीं और मेरे मुंह से वंदे मातरम निकल रहा है, तेरी इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत। ये मेरा सवाल मातृभूमि से मेरे भगवान को हमेशा रहेगा, जब ऊपर जाऊंगा जरूर सवाल पूछूंगा, ऐसी क्या शक्ति दी थी, यह शक्ति और ताकत है। और इन बदमाशों गुंडों देशद्रोहियों ने हमारी सिख कौम के ऊपर दाग लगा दिया, इन्होंने बाहर के सिखों का सोचा नहीं कि बाहर के सिखों की क्या इज्जत है हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर। ये विदेशों में बैठ के पन्नू जैसे लोग बड़ी बड़ी कारों में लेकर के खारिस्तान के झंडे नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर सरदारों को ये तकलीफ, सरदारों को वो तकलीफ। अरे मुझे बताओ तो सही, मैं फिर दोहराऊंगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के 2 होम मिनिस्टर बूटा सिंह ज्ञानी जैल सिंह, आर्मी चीफ डॉक्टर सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह डिफेंस मिनिस्टर। भैया 2% हम क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान हमें दे रहा है और उसके बाद भी आप उस तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, उस तिरंगे झंडे को बेअदब करते हैं, सिख कौम को बदनाम करते हैं, गुरु महाराज की उस मर्यादा सोच को आप उंगल उठाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे दुख और मेरी पीड़ा है। मैं हिंदुस्तान में बैठे हुए, दुनिया में बैठे हुए हर वो हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदुस्तानी को सिर झुका करके क्षमा चाहता, इस पगड़ी पे दाग लगे, इसको नहीं हम मिटा पाएंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं, इसको हम नहीं मिटा पाएंगे। आपने जो किया है उसके लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप ऐसे मत रोइए, क्योंकि इन जो खालिस्तानी है, जो कांग्रेसी है, जो केजरीवाल जैसे लोग हैं, जो ये पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, उन लोगों को इसका जवाब जरूर मिलेगा। और जो ये सिखों को जो बदनाम करने की कोशिश की गई है, आपके जो ये आंसू है उन सबको अब ये जवाब दिया जाएगा, जिन्होंने आपके आंखों में आंसू, आज जब आपने इस देश के लिए इतना कुछ किया उसके बाद आपके आंखों में आज आंसू आ रहे हैं, वो भी इन खालिस्तानियों की वजह से, तो उनको जवाब जरूर मिलेगा सर, आप ऐसे रोइए मत। जवाब जवाब ये नहीं है जी सर, हमारी गुरु महाराज की ये मार्शल कॉम जिनको दुनिया सिर झुकाती है जी सर। जब को भूकंप आता है, कुछ भी आता है, लंगर लगाए जाते हैं, इतनी सेवा होती है। कोरोना के ऊपर हमारे यहाँ एक शंटी जी हैं जी, उन्होंने बड़ी सेवा की, हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, उनको किसी को टाइम के ऊपर शमशान घाट पहुँचाया, किसी को हॉस्पिटल पहुँचाया, खुद परिवार को कोरोना हो गया, सिर पे पगड़ी थी, लोगों ने हमें इतना मान सम्मान दिया इस गुरु महाराज की पवित्र सिक्खी को, हमें नहीं दिया, हम तो कुछ नहीं, हम तो एक मिट्टी के आदमी हैं, हम तो जमीन पे रुले फैले आदमी, हम है कौन, हमारी ये पगड़ी को लोगों ने मान सम्मान दिया, दुनिया के अंदर मान सम्मान दिया। आज हम लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे, ये चंद लोगों को तो तसल्ली हो जाएगी, ये जो जिन्होंने ये कर्म किया है इनकी तो खुशी हो जाएगी, ये तो कहेंगे हमने देखो लाल किला में खालिस्तान, यहाँ हमने अपना निशान साहब लहरा दिया। पर सवाल सबसे बड़ा है, जिनको इस मुल्क से प्यार है वो तो रोएगा, किसी भी कौम और किसी मजहब का है वो तो रोएगा। हमने तिरंगे झंडे के लिए, देश के लिए अपने शरीर पे बम खाए, हमें बम्बों गोलियों का कभी दर्द नहीं होता, सच्ची बताऊं कभी दर्द नहीं होता, शरीर के आधे हिस्से में लोहा है। इन बदमाशों ने हमारे पे 100-100 किलो RDX, 40-40 किलो RDX लेके बम चलाए, हमारे जवान, हमारे कई यार दोस्त शहीद हो गए, हमने कभी इन पे गिला नहीं किया, हम यही कहते रहे उनका अपना कर्म था देशद्रोहियों का हमें मारना, हमारा अपना कर्म था इस मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा करना, बहनों के सुहागों की रक्षा करना, बच्चों को यतीम होने से बचाना, हम अपने गुरु महाराज की मर्यादा पे चले। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतनी भी समझ नहीं आप क्या कर्म कर रहे हो भाई, हमारा इतिहास को भी नहीं आपने देखा। तो मुझे यह मलाल, यह गम मेरे मरते दम तक, मेरे मरने के बाद मेरी रूह को भी रहेगा, मेरी रूह तड़पेगी इस चीज़ को लेके, जिस तिरंगे झंडे के लिए तुमने बम खाए थे 82 के अंदर और उसके बाद 93 के अंदर, अब तू तिरंगे झंडे की रक्षा नहीं कर पाया, मेरे में मलाल रहेगा। तूने उस वक्त
AK-47 सामने थी, रॉकेट लॉन्चर सामने थे, सामने गोलियां चलाते थे, सुबह बम चलाया, पर तुमने अपने तिरंगे झंडे की रक्षा की, तुमने अपने पैर कटवा लिए पर तुमने तिरंगे झंडे की वंदे मातरम की रक्षा की, पर तुमने दिल्ली में होते हुए जिस तिरंगे झंडे से पूरे हिंदुस्तान में दुनिया में शुरुआत हुई, पूरी दुनिया में 15 अगस्त 26 जनवरी का तिरंगा झंडा लहराया जाता है, जहां तिरंगे झंडे की नींव रखी गई, उसके बाद ही मैंने वहां पे बम खाए, तिरंगे झंडे लहराया, हम सब जगह, उस जड़ी नींव थी, जड़ थी, जिस जड़ ने हमें पूरे दुनिया के अंदर तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का दिया, वो तेरी आंखों के सामने उसका तेरी ही कौम के लोगों ने अपमान कर दिया। ये गम, ये दुख, ये मुझे छताता रहेगा। सर ऐसी कोई बात नहीं, आपकी कौम बहुत बहादुर है और आपके कौम में जो जिन लोगों ने उनको भड़काया है, जिन गद्दारों ने, जिन खालिस्तानियों ने, जिन पॉलिटिक्स के जो नेता हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तान का समझते हैं लेकिन वो पाकिस्तान के ज्यादा और चाइना के ज्यादा गुलाम है, उसमें जो केजरीवाल, कांग्रेस और इन लोगों ने जिस तरीके से फर्जी की, मैं आपको बताऊं, देखो अब केजरीवाल साहब की अगर बात करें, जी हर आदमी का एक अपना अपना कर्म होता है, जी मैं भी मिनिस्टर रहा, जी मैं भी हिंदुस्तान की यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, जी पीवी नरसिम्हा राव जी के पास मेरे पास पावर थी, जी पर मैंने जो भी काम किया कभी पॉलिटिक्स नहीं की, मैंने राजनीति की, मजलूमा की रक्षा की। 96 में चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की मौत के बाद, शहादत के बाद, मुझे नरसिम्हा राव जी ने कहा आप चीफ मिनिस्टर बनो, तमिलनाडु से फोन आया, मैंने कहा नहीं सर, मैं जो काम अमन शांति का करना था कर लिया, मैं पूरे देश में सेवा करके लोगों को टेररिज्म के खिलाफ, लोगों के अंदर मजलूमों की रक्षा के लिए देशभक्ति सिखाऊंगा, काला पानी लेके जाता था, ये मेरा कर्म नहीं है, मैंने एक अपना काम किया। और जब नरसिम्हा राव जी इस दुनिया से चले गए तो सब कुछ मैंने छोड़ दिया, मैं मजलूमों की रक्षा के लिए, बेसहारों की रक्षा के लिए, जो मेरी बहनें विधवा हो जाती थी, जो बच्चे यतीम हो जाते थे, मैं उनके परिवारों के लिए, सरकारों से मदद के लिए, कारगिल का युद्ध, पार्लियामेंट में शहीद हुए जो जवान, मैं उनके काम में लग गया, मेरा कर्म था। मुझे कई कुछ उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टियों ने देने की कोशिश की, को राज्यसभा, को मिनिस्टर, को सीएम, मैं कहना ये मेरा कर्म नहीं है, क्योंकि इतने बम्बों के बाद, इतनी बार मौत को देखने के बाद, अगर ये मैं सोचूं कि अब ये मैं बनूंगा, अरे मौत तो सामने देख ली, मैं तो बोनस की ज़िंदगी में हूँ, मैं तो मर चुका हूँ, ये ज़िंदगी मेरी बोनस है, उसके बाद इच्छा रखूँ मैं ये करूँगा, मैं ऐसे ही काम करूँगा। केजरीवाल साहब अगर सोशल काम करते तो अच्छा होता, हम भी भावुक हुए थे उनके ऊपर, जब तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का रामलीला पे लहराया गया तो हम भी भावुक थे, हम भी केजरीवाल और अन्ना हजारे जी को लेके भावुक थे, हम भी कहते थे ये मुल्क में करप्शन खत्म होनी चाहिए, हम भी कहते थे बहनों के सुहाग अब नहीं उजड़ने चाहिए, हम भी कहते थे 370 धारा हटनी चाहिए, चलो कोई ना कोई भगत सिंह और कोई ना कोई महात्मा गांधी ने आया है, हम आंदोलन के काफिले में तो नहीं गए पर घर में बैठे उस आंदोलन का समर्थन कर दिया, क्योंकि जहां तिरंगा झंडा आ जाता है, भारत माँ वंदे मातरम आ जाती है, वहां हमें हमारी कुछ जान की भी ले ले, हमारे शरीर के टुकड़े कर दे, हमें फक्र हुआ। वो क्या हुआ, अगर आपकी डिमांड थी, ठीक आपकी डिमांड थी कि हमारी ये डिमांड मांगो, नहीं तो हम मर जाएंगे, मरण वर तो रखा था, एक तरफ जवान रोज मौत का कफन बांध के जाता है, जब घर से निकलता है अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने पिता की तरफ देखता, पता मैं वापस नहीं आऊँगा, वो कहते वापस आएगा, पर वो मौत का कफन बांधा होता है, 15 दिन के अंदर अंदर इसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में उसकी लथपथ बॉडी आती है, अपने काम को, कर्तव्य को पूरा करता है। मैं भी तो एक पापी सा एक इंसान आपके सामने हूँ, मौत का कफन बांध के निकला हूँ, कब जाऊँगा मुझे मालूम नहीं, और सुबह उठ के भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान कभी भी मौत देना मुझे, गंदी राजनीति करते हुए मत देना, कभी भी मौत देना पहले की तरह बम्बों गोलियों से देना, और आखिरी वक्त में मेरे यही निकले, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी याद वंदे मातरम, झोली फैला के यही मांगता हूँ, मर चुका हूँ, ये तो फालतू की ज़िंदगी जीता हूँ। इन्होंने क्या किया, डिमांडें पूरी नहीं हुई लोगों की,
मौत सामने थी, जूस लाओ जूस लाओ, जैसे जैसे जूस आता है वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, जूस पी के आंदोलन खत्म। वो गांधीवादी को धक्का दे के महाराष्ट्र ये कुर्सी सत्ता संभाल लेते हैं। इसको कहते हैं राजनीति, चातुर राजनीति। और यहाँ हो रहो, अब नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं को बीजेपी का नहीं हूँ, मैं तो टकसाली कांग्रेसी हूँ, मोदी जी हैं। हम भी पहले कहते थे विदेशों में रहते हैं भैया, तो यहाँ आते ही नहीं। पर जब 370 धारा हटी तब पता चला नरेंद्र मोदी जी को जो पूरी दुनिया का टूर था, पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ लिया, एक भी मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ। और 370 धारा 74 साल का इतिहास तोड़ के वो करके किसका सपना पूरा किया? सरदार पटेल लोह पुरुष का सपना पूरा कर दिया। मेरे पे कई बार सवाल उठता है, हमने कभी सोचा नहीं, कभी कभी सोचते हैं वॉक करते करते कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा होते, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते, भूटान सिक्किम चाइना का कई हिस्सा अपने पास होता, पाकिस्तान भी अपने पास होता, अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो चले गए, अगर लोह पुरुष सरदार पटेल होते, क्या कश्मीर के अंदर आज हमारे इतने जवानों का शहादत का जाम पीना पड़ता? क्या हमारे खून पसीने का टैक्स का पैसा कश्मीर में बहाया जाता, पैकेजों में बहाया जाता वहां के लोगों को कुछ करने के लिए? अब क्यों नहीं पैकेज दिया जाता जी? इसका मतलब यह हुआ कश्मीर के अंदर जितनी शहादतें हुई जवानों की, जितना आपके हमारे टैक्स का पूरे हिंदुस्तान का खून पसीने का पैसा वहां पानी की तरह बहाया गया, वो जिम्मेदार लोग थे? पॉलिटिकल पार्टियां, वो सरकारें जिम्मेदार थी? उन्होंने 370 धारा क्यों नहीं हटाई? उन्होंने अमन शांति क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी ने क्यों कर दिया? यह सवाल तो है बहुत बड़ा, आने वाली नस्लें पूछेंगी इनको सवाल कि हमारे जवान आपने शहीद कराए, वो पत्नियां सवाल पूछेंगी हमारे पतियों को आपने शहीद कराया, हमारे बच्चों ने आपने उन पॉलिटिकल पार्टियों को पूछेंगे यतीम करा दिया, अब क्यों हुआ? अब क्या गोली चलती वहां पे? क्या अब तिरंगे झंडे को आग लगाई जाती वहां पे? अब वहां एक झंडा तिरंगा, एक संविधान, एक जनगण मन, ये किया हमने? क्या दिया नरेंद्र मोदी जी को हमने? क्या दिया? रोज बुरा भला, कई शाहीनाबाग प्रदर्शन, कभी ये आंदोलन, तिरंगे झंडे के अपमान का आंदोलन, उसने हमें क्या दिया? उसने हमें बहुत कुछ दिया, भगवान उनकी उम्र लंबी करे। राम जन्मभूमि सोच सकते हैं, 500 साल का इतिहास उसने नहीं किया नरेंद्र मोदी ने, राम जी ने उनके ऊपर कृपा की और उनके हाथों से कम मुझे बिठा, उनको बिठाया। 370 धारा, राम जन्मभूमि, रोज चर्चा, रोज बम, 93 में ब्लास्ट, दिल्ली में ब्लास्ट, राम जन्मभूमि को लेके हमले, इतिहास ही तैश नैश करके एक नए इतिहास को बना दिया। हमने उनको कभी कहा हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं मोदी जी, छोड़िए बीजेपी, छोड़िए कांग्रेस, छोड़िए सीपीएम, छोड़िए सीपीआई, एक दिन हमने जाना है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। हम इमरान खान को तो कह देते किसान आंदोलन के अंदर, ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा दुश्मन है, हाय हाय मोदी मर गया मोदी, ये हम उनको देते। मैं कहता हूँ मेरा लीडर नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस ही हूँ, टकसाली यूथ कांग्रेस का प्रे, मेरा लीडर, मेरा योद्धा, इस राष्ट्र का गौरव, जीते जी अमर, जीते जी अमर, मैं उसको सलूट करता हूँ। एक कदम चलेगा 100 चलाऊंगा पीछे, आंख उठा के देखेगा आंख निकाल दूं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई पता करा ले, मेरा बीजेपी नरेंद्र मोदी से मेरा रिश्ता प्रथम राष्ट्र से है। और जो मेरे प्रथम राष्ट्र के लिए खड़ा हो, 56 इंच की छाती लेके चाइना के बॉर्डर के अंदर खड़ा हो, एक गोली चलेगी पहले प्रधानमंत्री का सीना पार करेगी, फिर मेरे जवान की तरफ जाएगी, मैं तो उसके लिए मर मिट जाऊं। मैं तो सुबह उठ के रोज उसकी प्रेयर करता हूं, हे भगवान इस बोनस की जिंदगी जो है इसमें कुछ बची हुई है दे देना उसको, नरेंद्र मोदी को नहीं राष्ट्र को, उसको देना राष्ट्र को। ऐसा व्यक्ति हमें मिला और हम उसको उलझनों में डालते जा रहे हैं, सर्जिकल ऑपरेशन होता है, पुलवामा का बदला लिया जाता है तो सवाल पूछे जाते हैं, और हमले होते हैं सवाल पूछे जाते हैं, 370 धारा होता है सवाल पूछे जाते हैं, 3 तलाक पे सवाल पूछे जाते हैं, राम जन्मभूमि पे सवाल पूछे जाते हैं,
कभी उसको कहा आपने बहुत अच्छा किया। इंदिरा गांधी को भी अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के अंदर जब बांग्लादेश के पाकिस्तान के टुकड़े कराए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये हमारी दुर्गा है, क्योंकि वो विद्वान थे अटल बिहारी वाजपेयी। और ये लोग, इनको किसी को देश से प्रेम नहीं है, इनकी राजनीति की दुकानदारियां खत्म हो गई। पहले भी मंत्री होते थे, हम भी मंत्री रहे, हमने जिंदगी में मजे लिए भाई, मिनिस्टर मतलब जिंदगी में मजे लो, अब मजे नहीं है। जो काबल है उसको जिम्मेदारी मिलेगी। फॉरेन मिनिस्टर देखिए हिंदुस्तान का कौन है, काबिल था, पता था कि इसने दूसरे देशों के साथ फॉरेन सेक्रेटरी रहते हुए संबंध अच्छे बना दिए। मिस्टर पुरी साहब हैं, सरदार साहब, दो दो डिपार्टमेंट है, ब्यूरोक्रेट थे, जिम्मेदारी दे दी। ये एक चीज़ें हैं। रावत फोर्स के, तीन फोर्स के ऊपर उसको लगा दिया। अजीत डोवाल पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते थे प्राइम मिनिस्टर के, टेलीफोन टेप करते थे, नरेनन सारे टेलीफोन टेप करते थे, पॉलिटिक्स करते थे। ये पहला हिंदुस्तान का रक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल, जो पाकिस्तान में 7 साल काट करके अमरूद की रेड़ी लगाता रहा, गोलगप्पे की रेड़ी लगाता रहा, फल बेचता रहा अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मौत का कफन बांध करके वहाँ पे अपने राष्ट्र के लिए काम करते रहे। वो राष्ट्रीय सलाहकार, इसको कहते हैं राष्ट्रनीति, इसको राजनीति नहीं कहते। पहले राजनीति हुई, लाल बहादुर शास्त्री के सरदार पटेल तक राष्ट्रनीति थी, उसके बाद राजनीति हुई, और ये योद्धे ने आके फिर राष्ट्रनीति की शुरुआत की। कोई बुरा बनाना बनाए, कोई गुस्सा करना करे, जितनी जिसकी सोच करे, मेरे ये विचार है, मैं ये विचार कहता हूँ, मेरी जिंदगी बोनस है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा योद्धा नहीं देखा, या पी वी नरसिम्हा राव देखा था जिसने पंजाब के अंदर आतंकवाद को समाप्त किया था। आतंकवाद को जन्म देने वाले कौन थे, ये पॉलिटिशियन थे? कहाँ था पंजाब में आतंकवाद, किसकी देन थी पंजाब के अंदर आतंकवाद? यही था ना कि ये भिंडरा वाले को तैयार कर दो, भिंडरा वाला पहले तो आतंकवादी नहीं था, वो तो पाठ करते थे, तैयार कर दो, अकालियों को कमजोर कर दो, सदा राज करेंगे। राज क्या मिला, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। तो सवाल सबसे बड़ा ये कि देश प्रथम राष्ट्र सबसे बड़ा है, कोई कौम कोई मजहब, हर को अपने धर्म मानने का अधिकार है, और एक दूसरे को धर्म सबको मानने चाहिए। मैं सब धर्मों को मानता हूँ, मैं सब धर्मों के आगे सिर झुकाता हूँ, पर इस प्रथम राष्ट्र, वो भारत माँ जितने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सबको, मस्जिद को अपने आंचल में समा रखा है, उसका अपमान मत करो। भारत माँ ने समा रखा है ना अपने अंदर, उसका अपमान मत करो। तिरंगे झंडे के ऊपर भारत है ना, तिरंगा झंडा है ना ऊपर भारत माँ के लगाया जाता है ना, उसका अपमान मत करो। तिरंगे झंडे का अपमान मतलब पूरी मातृभूमि का आपने अपमान कर दिया। इन बदमाशों गुंडों को इतिहास को माफ नहीं करेगा।